और अब खबर इंदौर से है। इंदौर नगर निगम में एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसने नगर निगम के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजकोट के ठेकेदार फर्म कुणाल स्ट्रक्चर पर 8 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का आरोप लगा है। फर्म ने ये गारंटी नगर निगम से टेंडर हासिल करने के लिए लगाई थी और भुगतान भी प्राप्त कर लिया। घोटाले का खुलासा तब जाकर हुआ जब ठेकेदार फर्म ने बैंक से प्राप्त गारंटी के नाम पर जमा 5% रकम लौटाने को कहा। अधिकारियों ने दस्तावेज की जांच की जो फर्जी निकले, इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। महापौर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। नगर निगम ने सेंट्रल कोतवाली थाने में ठेकेदार फर्म कुणाल स्ट्रक्चर के खिलाफ आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस अब जांच कर FIR दर्ज कर सकती है। इंदौर में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। कोतवाली में FIR दर्ज कर अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। जो हम लोग को इसमें बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी जब इसको हम लोग ने जब किया और उसको कैश कराना चाहा तो वो गलत पाई गई, फर्जी पाई गई। और इसका जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो तत्काल इसमें FIR के निर्देश दिए और आगामी भी जो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई वो करेंगे। थाना सेंटर कोतवाली में एक आवेदन दिया गया नगर निगम की तरफ से। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कि जो बैंक गारंटी दी जाती है ठेकेदार के द्वारा, उस ठेकेदार के द्वारा बैंक गारंटी में फ्रॉड किया गया है। जो बैंक गारंटी 5% जमा होती है, तो वो बैंक गारंटी में फ्रॉड किया गया है। ICICI बैंक से जब पता किया गया है तो उनके द्वारा बताया गया कि हम इसको जानते नहीं है, हमने कोई बैंक गारंटी दी है। तो बैंक गारंटी में फ्रॉड की सूचना पर से अभी फिलहाल आवेदन दिया गया है। इसके पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद, जांच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां नगर निगम में एक और घोटाले का खुलासा हुआ, 8 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के नाम पर घोटाला किया गया है।